बेगूसराय में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में चोरों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां आभूषण की दुकान का ताला तोड़कर तकरीबन 3 लाख के जेवर लेकर मौके से चोर फरार हो गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज सोनापट्टी की है। बताया जाता है कि देर रात चोरों ने आभूषण दुकान में मेन गेट का ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया है। वही दुकानदार सोनू कुमार ने बताया कि इस दुकान में सोना का जेवर बनता है और देर रात दुकान बंद कर सभी लोग अपने घर चले गए। जब सुबह दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और ताला भी उस जगह से गायब था। दुकान के अंदर जब प्रवेश किया तो गले में रखे सारा सोने का सामान गायब था। उन्होंने बताया कि कुछ ग्राहक का सोने का सामान भी बना हुआ था, वह भी चोरों ने अपने साथ ले गए। वह इसकी सूचना नगर थाने पुलिस को दी। मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सुबह सुबह फोन किया था मामा जी, मेरे चाचा की दुकान में चोरी हो गई, लगभग वही 2.5 लाख का चोरी हो गई। तो हम लोग आए देखे, तो कैमरा चेक कर रहे हैं, कैमरा के अनुसार पता चलता है, उसके बाद बताते हैं। क्या क्या चीज का दुकान था? यहाँ कारीगरी होता है, सोना चांदी। हाँ, सोना चांदी का जेवर बनता है और दुकानदार को दिया जाता है, दुकानदार ही सोना देता है। कितना लगभग सोना का जेवर? 2.5-3 लाख का होगा।